जाने क्या थी खूबियां माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में पालना। परमात्मा ने भी कहा इन्हीं से मेरी कोई प्राप्ति का तहलीक नहीं है, मैं इन्हीं से नहीं प्राप्त होता हूँ, मैं तो प्राप्त होता हूँ जो बढ़ कर करके मैं सिखाता हूँ। तो मन मना भव, देखो कहा भी नहीं गीता में मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ, ऐसे थोड़ी कहा मन को जड़ बनाओ, नहीं कहा मन को मेरे में लगाओ, कहा ना मन मना भव, माम एकम मुझे याद करो, तो माम एकम मुझे एक को याद करो, कहा याद करो तो वो भी तो बुद्धि का संकल्प हुआ ना, परंतु ऐसा नहीं कहा कि संकल्प को जड़ करो डेट करो या उनको एकदम जड़ हो जाओ, नहीं। तो ये जो हठ योग और ये सभी जो बातें हैं, इसीलिए कई जो पीस ऑफ माइंड या मन की शांति इसी को समझते हैं कि ये मन का जो संकल्प है उसी को दमन करना और फिर उसमें समाधिष्ट अवस्था में चढ़ जाना, जड़ हो जाए कुछ पता न चले उसको समझते हैं इसकी समाधि चढ़ गई या इनका ये होगा, नहीं वो तो ये ट्रांस में जाते हैं, उसी को भी हम नहीं कहते हैं कि ये कोई यहाँ निसंकल्प या निर्विकल्प समाधि, तो ट्रांस ट्रांस एक अलग चीज है, वो तो दीदार होता है देखते हैं, चलो दीदार भी न हो कुछ देखे भी नहीं ऐसे ही साइलेंस में भी कहीं चले जाती हैं, परंतु तो उसको भी कोई निसंकल्प या निर्विकल्प समाधि थोड़ी कहेंगे, वो तो हुआ वो है कि हाँ शरीर से पार हो गए, परंतु हमको तो उसी में रहना है, नहीं कर्म करना है और कर्म से हमको अपने कर्म से श्रेष्ठ बनना है, उससे हमको अपनी प्रारब्ध बनानी है, इसलिए ये हम चित करके ऐसा एकदम जड़ होकर के कितना समय बैठ जाएंगे हा? और हमको कर्म तो कैसे बैठ जाए, बस बैठे 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 सब कुछ हो जाएगा क्या, नहीं। और भगवान का हुक्म है कर्म योगी रहो, कर्म करो, तो कर्म करने के लिए संकल्प भी तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे ये संकल्प सोच कर्म तो अनादि चीजें हैं, इसी को जड़ बनाना ये तो आर्टिफिशियल है चीज, ये संकल्प भी अनादि है, संकल्प सोच और ये कर्म, तो कर्म सृष्टि तो अनादि है, इसको कहा जाते हैं कर्म क्षेत्र, तो ये कर्म की क्षेत्र भी अनादि है, ऐसे नहीं कहेंगे कभी ये कर्म की क्षेत्र थी नहीं, नहीं ये बोना और पाना ये सृष्टि अनादि है, तो कर्म है तो संकल्प भी है सोच भी है, ये दोनों चीजें है ही साथ, कर्म बिना संकल्प सोच के हो ही नहीं सकता, तो कर्म क्षेत्र अनादि है तो संकल्प सोच भी अनादि है, इसी अनादि चीजों को बढ़कर करके जड़ बनाना या डेढ़ करना, उनका बढ़कर करके पुरुषार्थ करना, ये तो व्यर्थ पुरुषार्थ है, इसीलिए बाप कहते हैं ये हठ योग और ये सभी तरीके जो है ये तो नियमों के बरखिलाफ है, नियम है संकल्प सोच कर्म अनादि चीजें हैं, अनादि चीजों को बढ़कर कर करके यहाँ सपना या उनके लिए हम उसको डेढ़ बनाए, उनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, हमको जरूरत है उसमें जो हमारे विकल्प आए हैं, विकल्प आए हैं उसी से हमारे जो विकर्म हुए हैं, तो विकर्म और विकल्प आने के नतीजे में जो हम दुखी हुए हैं उन्हीं के कारण ही दुखी हुए हैं ना, वो हमारे दुख के कारण बनाने वाली जो चीजें हैं विकर्म और विकल्प वो कैसे छूटे, वो छूटेंगे तभी जब विकारी निकल जाएंगे, विकारी निकल जाएंगे तो न विकल्प होगा न विकर्म होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा शुद्ध संकल्प और शुद्ध कर्म रह जाएगा, इसी से फिर हमारी प्रालब्ध भी श्रेष्ठ रहेंगे, ये तो सीधी बातें हैं ना, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अपने संकल्प को शुद्ध बनाना यही निसंकल्प समाधि है और यही निर्विकल्प समाधि है, बाकी ऐसे नहीं इसको जड़ बनाना शुद्ध बनाना न कि जड़ बनाना, ये कंट्रास्ट समझना है, कई समझते हैं इसको जड़ बनाना है, जड़ समझते है ना एकदम इसको डेढ़ कर देना, जैसे ये जड़ वस्तु है ना इसको जड़ करेंगे, चैतन्य नहीं है ये जड़ है, तो उसको एकदम अपने को जड़ कर देना यानी कुछ एकदम जैसे जो पता ही नहीं रहे, तो वो तो अपने को जड़ बनाना है नहीं, आत्मा तो चैतन्य है, मन बुद्धि सहित है, उसमें संकल्प और सोच है, तो हमको संकल्प सोच वाली आत्मा को पवित्र बनाना है न कि उनके संकल्प सोच को जड़ बनाना है, तो जड़ बनाना और शुद्ध बनाने का डिफरेंस है,
तो हमको जड़ नहीं बनना है, हमको शुद्ध बनना है। तो शुद्ध बनने के लिए हमको परिवर्तन लाना है अपने संकल्प में, अपने कर्म में चेंज लाना। उसके लिए हमको चेंज की जरूरत है, न कि हमको जड़ बनने की जरूरत है। तो ये सभी चीजें, इसीलिए कई जो बरकर के ये हठ योग या प्राणायाम या ये समाधि चराना या ये सब जो बरकर के तरीके कई अपनाते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, ये कोई पीस ऑफ माइंड का तरीका नहीं। तो ये सभी चीजें भी समझने की है। कई ऐसी चीजों में समझते हैं कि ये अभी देखो ये समाधि में चल गया, ये पीस ऑफ माइंड में गया, पर तो वो पीस ऑफ माइंड नहीं है। पीस ऑफ माइंड का भी अर्थ समझना है ना, तो वो तभी है जब हमारे को हाँ जिस अशांति हमको आती कहाँ से, पीस और अंत में पीसफुल का कहा जाता है, शांति और अशांति के दो शब्द है ना, तो अशांति और शांति का कंट्रास्ट जो है वो हमारे सारा कर्म से पहले है। तो ये सभी चीजों को समझ रहे हैं, हमको शांति भी तब मिलेगी जब हमारे कर्म श्रेष्ठ है और उसके अनुसार हमको जो प्रालब्ध प्राप्त होती है उसी में हम सुखी रहते तो शांत है, नहीं तो फिर अशांति है दुख के कारण। बाकी ऐसे नहीं है कि मन चलता है उसी से अशांत है, मन हमारे विकल्पों में चलता है, विकल्प और विक्रम हमको दुखी करते हैं। तो हमको छुटकारा होना है उसी विकारों से जो हमारे विकल्प और विक्रम बनाती है। कैसे करें हम शुक्रिया हम।